हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, हम तो कहते हैं कि नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। तो अभी हमने एक वीडियो कंप्लीट कर दी थी, उसमें हमने बेसिक्स समझे थे कि क्या होते हैं नेचुरल हजार्ड्स एंड। अभी हम समझते हैं नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स इन इंडिया। इंडिया में इट वॉज डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स दैट इंडिया इज वास्ट एंड डाइवर्स। हाँ ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एट्रीब्यूट। याद करो तो जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे इसी बुक का, तो उसमें हमने पढ़ा भी था कि इंडिया क्या है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा है और साथ में डाइवर्स है। यहाँ पे मतलब कि फिजिकल और क्या कहते हैं कि सोशियल एट्रीब्यूट की तरीके से, सब तरीके से क्या है इंडिया हमारा, कैसा है कहते हैं कि एकदम डाइवर्स कंट्री है। हमारी इंडिया कैसी कंट्री है? डाइवर्स। डाइवर्स मतलब याद तो आपको पता है कि जब हमने डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने पढ़ाया था वेराइटी ऑफ क्या कहते हैं फिजिकल और फिजिकल फीचर्स हैं। कहीं पे देखो पहाड़ है, फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, और कहीं पे क्या कहते हैं कहीं रेगिस्तान है, मतलब रेगिस्तान मतलब सैंड है यानी डेजर्ट है, और कहीं पे क्या कहते हैं कोस्टल एरियाज है। तो ऐसे देखो तो क्या कहते हैं कि हमारा इंडिया क्या कहते हैं कि इसका फिजिकल फीचर्स भी अलग है, सोशियो और कल्चरल फीचर्स भी अलग ही है। ठीक है, तो इसकी वजह से इट इज ड्यू लार्जली ड्यू टू इट्स वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, एनवायरमेंटलिस्ट डाइवर्सिटीज, हाँ एनवायरमेंटल डाइवर्सिटीज एंड कल्चरल प्लूरलिटी दैट स्कॉलर्स ऑफन डिस्क्राइब इट। याद करो तो हमने इसको बोल रखा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे थे कि इसको पूछा जाता है पेपर में कि इंडिया को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। हाँ मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज के फिजिकल फीचर्स हैं, हाँ अलग अलग वेराइटी के फिजिकल फीचर्स हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो ऐसे इतने इन सब चीजों की वजह से ही, इन सब चीजों की वजह से ही हम क्या कहते हैं इंडिया को, क्या कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और याद करो इसको हम बोलते थे लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या है यूनिटी, फिर भी उनमें क्या होता है यूनिटी है। बट समस्या यहाँ पे अब आती है, क्योंकि ये इतना बड़ा वास्ट एरिया है, क्योंकि ये बड़ा वास्ट एरिया है, तो फिर क्या होता है, हाँ इट्स वास्टनेस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल एट्रीब्यूट्स कंबाइंड इट्स प्रोलॉन्ग्ड कॉलोनियल पास्ट। याद करो कि कहते हैं कि हमारे जब कहते हैं कि जब से हमारे यहाँ अंग्रेज लोग काम मतलब कि हमारे ऊपर के कहते हैं कब्जा करते हुए रहते, तब से कि कहते हैं कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक तो बहुत बड़ा इसका क्या कहते हैं कि आकार है, तो जिसको बोलते हैं वास्टनेस। और साथ में ही हमने बताया था कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि अलग, ये कहते हैं कि ये फिजिकल नेचुरल एट्रीब्यूट भी अलग है, और साथ में ही बहुत समय से क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल था, और कॉन्टिन्यूइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी लोगों के साथ में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ये क्या होता है कि और हमारे यहाँ क्या है बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन, इन सब की वजह से, इन सब की वजह से बहुत बड़ा एरिया, बहुत हमारे यहाँ के कहते हैं कॉलोनियल पास्ट की वजह से भी, आगे कहते हैं कि हमारे यहाँ ये जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन रहता है उसकी वजह से भी, और साथ में क्या कहते हैं कि इक्वली लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है, इन सब की वजह से, इन सब की वजह से हमारे देश के लिए नेचुरल डिजास्टर की वल्नरेबिलिटी क्या है बढ़ी हुई है। हाँ हमारे यहाँ की नेचुरल डिजास्टर की वल्नरेबिलिटी क्या हुई है, बढ़ गई है। दिस ऑब्जर्वेशंस कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड बाई फोकसिंग ऑन सम नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। तो अब कुछ नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया हम देखने वाले हैं। सबसे पहला आता है अर्थक्वेक। सबसे पहला क्या है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है क्या नहीं, हमने क्या कहते हैं कि इसको पढ़ा था, याद करो तो हमने क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक जो पढ़ा था क्या कहते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 3 में हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था। अर्थक्वेक क्या था, जब हमने पढ़ा था अर्थक्वेक क्या था याद करो तो हमने बताया था कि अर्थक्वेक एक प्रकार से क्या है, अर्थक्वेक क्या था केवल और केवल क्या कहते हैं कि एक प्रकार से शेकिंग ऑफ द अर्थ, एंड अर्थक्वेक क्या था एक शेकिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थक्वेक का मतलब हमने क्या पढ़ा था वहां पे, अर्थक्वेक का मतलब था शेकिंग ऑफ द अर्थ। और दूसरा चीज हमने क्या बताया था यहाँ पे, ये क्या है नेचुरल फिनोमिना। दूसरा चीज क्या बताया था, ये क्या होता है नेचुरल फिनोमिना, यही तो बताया था। अर्थक्वेक क्या होता है एक नेचुरल फिनोमिना, ये भी बताया था आपको वहां पे। ठीक है, साथ में ये भी सारी चीजें बता दिए थे। फिर
क्या कहते हैं कि अच्छा ये किसकी वजह से होता था, किसकी वजह से होता था ये भी बताया था। तीसरा पॉइंट इसमें एक चीज और था, ये किसकी वजह से होता था, इट इज अ कॉज, कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे समझ लो अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक क्या होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक मीन्स क्या होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ। मैंने बताया था इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। अर्थक्वेक क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। तीसरा पॉइंट ये होता क्यों है, होता क्यों है, याद करो बताया था इसमें कि कहते हैं कि ये जब अर्थ से के अंदर से, अर्थ के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है वो एक वेव जनरेट करती है। जब अर्थ के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है तो एक वेव जनरेट करती है। वो वेव क्या कहते हैं कि, वही वेव क्या कहते हैं कि जब चारों तरफ के कहते हैं कि मूव करती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक बनता है, उसकी वजह से क्या बनता है, अर्थक्वेक होता है। समझ आएगी, समझ में ठीक है, इतना बात समझ में आए ठीक है। ये सब हमने बेसिक्स वहां पे पढ़ रखे थे पिछली बुक में, फिर बुक का नाम है फंडामेंटल्स, हाँ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में हमने ये सब पहले पढ़ ली थी ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में, अगर आपको याद हो फिजिकल जियोग्राफी में। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता दिया कि अर्थक्वेक होता क्या है, क्या नहीं। तो अब अर्थक्वेक होता क्यों, सबसे पहला चीज क्यों, वाई, वाई का आंसर भी कर लेते। तो देखो अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, ये जब के कहते हैं कि, याद करो फॉल्ट जब होता है, फॉल्ट का मतलब होता है जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे ये टूट गया धीरे धीरे, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये चट्टान जो है धीरे धीरे ऐसे टूट गई यहाँ पे, तो ये जो क्रिएट हुआ ये यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉल्ट। तो यहाँ से एनर्जी जनरेट होगी, वो एनर्जी चारों तरफ से क्या कहते हैं कि वो एनर्जी क्या होगी, चारों तरफ मूव करेगी, तो उसकी वजह से जो वेव जनरेट होगा वो चारों तरफ से मूव करता है, तो वही होता है। तो फॉल्ट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है फिर वो आपस बढ़ती है, तो वो क्या कहते हैं कि इसकी वजह से बनता है। तो वो सारी बातें हमने देखा था यहाँ पे, अभी इसको आप समझते हैं कि यहाँ से इस बुक से ठीक है। तो इतना तो हमने पढ़ रखा था कि अर्थक्वेक क्या होती है। तो देखो अर्थक्वेक्स आर बाई फॉर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द नेचुरल डिजास्टर्स। सबसे पहला चीज तो ध्यान रख लो, अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो पहली चीज, पहला चीज क्या है, अर्थक्वेक क्या है, अनप्रिडिक्टेबल। अर्थक्वेक क्या है, अनप्रिडिक्टेबल और हाईली डिस्ट्रक्टिव ठीक है। प्रिडक्टिव प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्टिव भी बहुत ज्यादा है ठीक है। अब यही हमने बताया था कि अर्थक्वेक के होने के कारण, अर्थक्वेक के होने के कारण हमने क्या कहते हैं कि इस बुक में पढ़ रखा था, अर्थक्वेक्स दैट आर टेक्टोनिक ओरिजिन हैव प्रूव्ड टू बी मोस्ट डिवास्टेटिंग ठीक है। वे अर्थक्वेक ज्यादा क्या कहते हैं कि भयानक होते हैं, वे अर्थक्वेक जो ज्यादा भयानक होते हैं ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो टेक्टोनिक ओरिजिन है, किसकी वजह से होते हैं, टेक्टोनिक इन ओरिजिन। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, टेक्टोनिक इन ओरिजिन ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ से, अर्थक्वेक आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन। ठीक है, टेक्टोनिक इन ओरिजिन हैव प्रूव्ड टू बी मोस्ट डिवास्टेटिंग एंड दियर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज सो क्वाइट लार्ज। और इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, बहुत ज्यादा है ठीक है। दीज अर्थक्वेक्स रिजल्ट फ्रॉम अ सीरीज ऑफ अर्थ मूवमेंट्स ब्रॉट अबाउट बाई सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द टेक्टोनिक एक्टिविटीज इन द अर्थ क्रस्ट। तो देखो क्या होता है कि जब अर्थ क्रस्ट के अंदर, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये रिलीज करती है एनर्जी, रिलीज होता है जो शेकिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से होता है, तो उसी को हम लोगों ने बोला था अर्थक्वेक बोला था। तो यही यहाँ बताया भी है कि जो दीज अर्थक्वेक्स रिजल्ट फ्रॉम द सीरीज ऑफ अर्थ मूवमेंट्स ब्रॉट अबाउट बाई सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है कि जब ये सीरीज ऑफ अर्थ मूवमेंट होता है,
जब लगातार अर्थ का मूवमेंट होता रहता है तब होता है, ठीक है। जब लगातार अर्थ का मूवमेंट होता रहता है, जब लगातार अर्थ का मूवमेंट होता रहता है, एक के बाद एक अर्थ का मूवमेंट होता है, एक के बाद एक, सीरीज का मतलब होता है ना, एक के बाद एक। लेकिन ये किसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है? ये मूवमेंट हो रहा है जब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। कब रिलीज होती है एनर्जी? टेक्टोनिक एक्टिविटी की में। कहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है? अर्थ क्रस्ट में। कहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, अर्थ क्रस्ट में जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तब जाकर के क्या होता है कि हाँ अर्थक्वेक बनता है। ओके, एज कंपेयर टू दीज द अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद वोल्केनिक इरप्शंस, रॉकफॉल, लैंडस्लाइड, सब्सिडेंस, पार्टिकुलरली इन माइनिंग एरियाज, इंपाउंडिंग ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स हैव लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो देखो, जो कह रहे हैं कि वो एरिया जो अर्थक्वेक्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, तो सारे के सारे अर्थक्वेक टेक्टोनिक इन ओरिजिन नहीं होते, कुछ ही होते हैं जो टेक्टोनिक इन ओरिजिन, ये जो होते हैं, ये जो टेक्टोनिक इन ओरिजिन होते हैं, वे अर्थक्वेक जो टेक्टोनिक इन ओरिजिन होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं कि भयानक, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि भयानक होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मोस्ट डिवास्टेटिंग, ठीक है, सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग है, और क्या कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग। एंड दि इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, लार्ज होता है। इनके पास में क्या होता है कि लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन क्या अर्थक्वेक केवल और केवल टेक्टोनिक इन ओरिजिन की वजह से हो सकता है क्या? अर्थक्वेक के कारण कौन से हैं? अर्थक्वेक अर्थक्वेक क्या हो सकते हैं? टेक्टोनिक इन ओरिजिन हो सकता है, टेक्टोनिक टेक्टोनिक रीजन की वजह से भी हो सकता है, टेक्टोनिक इन ओरिजिन हो सकता है। फिर क्या कहते हैं कि टेक्टोनिक इन ओरिजिन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है। फिर किसकी वजह से हो सकते हैं अर्थक्वेक, और किसकी वजह से हो सकता है, रॉक फॉल की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, और क्या कहते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, और क्या कहते हैं कि सब्सिडेंस की वजह से हो सकता है, जब कहीं पे जमीन वगैरह धंसने लगे, सब्सिडेंस की वजह से हो सकता है, और किसकी वजह से हो सकता है, ये सब। हाँ, ये सब क्या होते हैं कि इनका क्या होता है, इनका जो इन सब का जो होता है लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। इनका एरिया जो कहते हैं कि वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है, ठीक है। इसका और एक रीजन था कि कहते हैं कि उसमें एक और था, इम्पाउंडिंग ऑफ डैम्स है, कभी कभी डैम वैम जब बैठने लगते हैं, इम्पाउंड ऑफ डैम एंड रिजर्वायर, तो इन सब की वजह से जो भी होंगे, इन सब की वजह से जो भी के कहते हैं कि इन सब की वजह से, इन सब की वजह से जितने भी के कहते हैं कि इनका जो लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, इसका क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या चीजें। अब आगे, एंड स्केल ऑफ डैमेज क्या, यहाँ हाँ, इट वॉज मेंशन इन द चैप्टर टू ऑफ द बुक दैट इंडियन प्लेट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर। चैप्टर टू में हमने पढ़ा था ये बात कि इंडियन प्लेट जो है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। इंडियन प्लेट क्या हो रहा है कि हर साल में लगभग लगभग कितना कितना सेंटीमीटर मूव करता है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, टूवर्ड द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, एंड दिस मूवमेंट ऑफ द प्लेट इज बीइंग कंस्टेंटली ऑब्स्ट्रक्टेड बाई द यूरेशियन प्लेट ऑफ द नॉर्थ। देखो, इंडियन प्लेट क्या हो रही है कि इंडियन प्लेट ऐसे, इंडिया समझ लो, यहाँ पे समझ लो ऐसे ही, ये यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, और इंडियन प्लेट इधर से क्या कहते हैं, इधर से इधर जाने की कोशिश कर रही है,
इधर से बार बार जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इंडियन प्लेट उधर जा रही है, यूरोपियन प्लेट साइड में जा रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बोथ प्लेट्स आर सेट टू बी लॉक्ड विद ईच अदर, रिजल्टिंग इन अकम्युलेशन ऑफ एनर्जी एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो फिर क्या होता है कि जब ये इंडियन प्लेट इधर की ओर जाने की कोशिश करे, जब इंडियन प्लेट इधर की जाने की कोशिश करेगी, यहाँ पे भी पहले से यूरेशियन प्लेट है और इधर से इंडियन प्लेट इधर मूव कर रही है, तो फिर क्या होगा? इंडियन प्लेट इधर से इधर मूव कर रही है, समझ रहे हैं? इंडियन प्लेट क्या हो रही है? उधर मूव कर रही है। तो अब हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है? पहले हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि इंडियन प्लेट क्या कहते हैं कि मूव किए जा रही है, इंडियन प्लेट क्या कहते हैं कि उधर हर एक के कहते हैं कि, और यूरोपियन प्लेट उधर से रोके जा रही है, यूरोपियन प्लेट उधर से रोके जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि इनके ये जो किनारे हैं, ये किनारे जो किनारे हैं वो लॉक हो जाए, किनारे क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ऐसे ही कहीं जगह पे एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। कहीं पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। मैंने क्या बताया, इंडियन प्लेट नॉर्थ साइड में भाग रही है, इंडियन प्लेट क्या कहते हैं कि ऐसे इंडियन प्लेट जो है, ऐसे जस्ट मैं इतना ही बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो ऐसे इंडियन प्लेट इधर जा रही है और इधर क्या कहते हैं कि ये मान लेता हूँ कि ऐसे यूरेशियन प्लेट, तो यहाँ पे ये और ये क्या होता है कि ऐसे लॉक हो जाएंगे, और बीच बीच में कहीं ना कहीं एनर्जी क्या हो चुकी है, बीच बीच में कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो वही लिखा हुआ है कि जब इंडियन प्लेट नॉर्दर्न मूवमेंट में चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, उधर से क्या कहते हैं कि यूरेशियन प्लेट उसको रोक रही है, उधर से यूरेशियन प्लेट उसको रोक रही है, और साथ में जब ये दोनों के कोने लॉक हो, लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बोथ प्लेट्स आर सेट टू बी लॉक्ड विद ईच अदर, रिजल्टिंग अकुमुलेशन ऑफ एनर्जी। तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग कहीं पे, बहुत सारे पॉइंट पे क्या हुआ है, एनर्जी इकट्ठा हो, बहुत सारे पॉइंट पे क्या हो चुकी है, एनर्जी इकट्ठा हो। अब जब एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, वही लिखा हुआ है, एक्सेसिव अकुमुलेशन ऑफ एनर्जी रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेस। जब बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो किसकी तरह काम करने लगता है, स्ट्रेस की तरह। किसकी तरह से काम करने लगता है, जब बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो किसकी तरह से काम करने लगता है, स्ट्रेस की तरह से काम करने लगता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द लॉक। तो फिर फाइनली क्या होता है, वो लॉक टूट जाए, जो लॉक हुआ था वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, अर्थक्वेक अलोंग द हिमालय ना, तो वो हिमालय के चारों तरफ से, हिमालय की यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि, हाँ, बहुत ज्यादा सडन क्या कहते हैं कि, सडन क्या कहते हैं कि वो आ जाएगा। हाँ, उसकी वजह से वहां पे सडन क्या कहते हैं कि एनर्जी रिलीज होगी, जैसे अभी मैंने बताया सडन एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से फिर क्या कहते हैं कि वहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। यहाँ पे मैं बता रहा था कि इधर से मान लो कि ये लॉक है, ये यूरेशियन प्लेट है, इधर से यूरेशियन प्लेट ने रॉक कर रखा है ऐसा, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये जब इधर नॉर्थ साइड में जा रही है, तो यहाँ पे लॉक हो गया, यहाँ पर लॉक हो गया, तब भी ये जाने की कोशिश करेगा, तो बीच बीच में क्या हो जाएगा, एनर्जी जनरेट हो, एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, एनर्जी जब अकुमुलेट, जब कुछ ज्यादा ही एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, तो वो स्ट्रेस लगाएगा, जब स्ट्रेस करेगा तो ये लॉक खुल जाएगा, ये लॉक खुल जाएगा, तो फिर इसकी वजह से फिर क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि वहां पे चांसेस है, इसकी वजह से चांसेस होते हैं कि कहते हैं कि अर्थक्वेक आने, इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है, हिमालयन आर्क पे क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आगे, सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल यूनियन टेरेटरी स्टेट्स, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो क्या कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि, हाँ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड दार्जिलिंग सब डिवीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल आर सेवन स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ स्टेट्स एंड ऑल द सेवन स्टेट्स, ये सब क्या है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि, यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्या कहते हैं कि उसके अर्थक्वेक आने के, अर्थक्वेक चांस के आने के यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द दीज रीजन, कह रहे हैं कि इन रीजन्स को छोड़ करके, इन रीजन्स को छोड़ करके भी, हाँ, मतलब कि इनकी रीजन के अलावा, इन रीजन के अलावा सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली गुजरात, गुजरात यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, 1819 में, 1956 में, 2001 में, एंड
महाराष्ट्र 1967 एंड 1993 में ऑल्सो हैज एक्सपीरियंस सम सीवियर अर्थक्वेक्स, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे अर्थक्वेक आ चुके हैं, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सारे अर्थक्वेक आ चुके हैं। अर्थ साइंटिस्ट हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट स्टेबल एंड मेच्योर लैंडमार्क ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। तो ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक में, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। याद करो मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रखा है कि जो महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र या पेनिनसुलर ब्लॉक है वो कैसा होता है, स्टेबल ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है, वो स्टेबल ब्लॉक है। तो वहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस कम है, लेकिन अभी भी इसको लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रिसेंटली सम ऑफ द अर्थ साइंटिस्ट हैव कम अप विद थियरी ऑफ इमरजेंस ऑफ फॉल्ट लाइन। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, फॉल्ट लाइन की, किसकी वजह से आ रहा है, फॉल्ट लाइन की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो फिर फॉल्ट लाइन कोई लिखा हुआ है कि सम ऑफ द अर्थ साइंटिस्ट हैव कम अप विद थियरी ऑफ द इमरजेंस ऑफ फॉल्ट लाइन एंड एनर्जी बिल्डअप अलोंग द फॉल्ट लाइन रिप्रेजेंटेड बाई रिवर भीमा कृष्णा नियर द लातूर एंड उस्मानाबाद। महाराष्ट्र में कहते हैं कि भीमा रिवर है, कह रहे हैं कि वहां पे भीमा रिवर के पास में, ये कह रहे हैं कि लातूर और उस्मानाबाद के, हाँ उस्मानाबाद के बाद के भीमा रिवर के साथ में क्या कहते हैं कि एक क्या कहते हैं कि आपको ये फ्रंट लाइन डेवलप हुई है। ये कह रहे हैं कि उस्मानाबाद और लातूर के पास में, उस्मानाबाद और लातूर के पास में क्या कहते हैं कि ये जो भीमा रिवर है, ये जो भीमा रिवर है इसके इसके पास में क्या कहते हैं कि फ्रंट लाइन पे फॉल्ट लाइन डेवलप हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां पे अर्थक्वेक आया, ठीक है। उसकी वजह से क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक आया, ठीक है, जिसमें इंडियन प्लेट टूट गई, जिसके जिसमें इंडियन प्लेट टूट गई और उसके कारण से वहां महाराष्ट्र में क्या कहते हैं कि भूकंप आया था, ठीक है। इतना बात समझ में, वहां पे कह रहे हैं कि ये भूकंप धीरे उसकी वजह से ये प्लेट क्या हो रहा है, टूट गई। यहाँ पे देखते हैं, इस इमेज को देखते हैं, फिर ये देख ये है इसमें देखिए, यहाँ पे ये अर्थक्वेक आया था, ये भीमा रिवर के आसपास में, यहाँ पे भीमा रिवर है, ठीक है, यहीं पे आपको भीमा रिवर मिलेगी। तो यहीं पे क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक आया, तो यही यहाँ पे बताया हूँ, ओके। इतना बात तो समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे ऐसे रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज। देखो ये वाला गुजरात का ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज के चांसेस है। ये देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी बहुत ज्यादा डैमेज होने के चांसेस है। नॉर्थ ईस्ट रीजन थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं पंजाब का पार्ट, ये थोड़ा सा उत्तराखंड का पार्ट हो गया, यहाँ पे क्या कहते हैं दार्जिलिंग का पार्ट हो गया, और ये क्या कहते हैं कि वो जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है क्या कहते हैं कि इसके भूकंप आने के, अर्थक्वेक आने के। और हाई डैमेज रिस्क जोन कौन सा हो गया, क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा ये अलग हुआ है, ये जो नेपाल के नीचे के कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार वगैरह, ये। फिर मॉडरेट डैमेज तो समझ लो लगभग लगभग पूरा ही है। फिर उसके बाद में क्या होता है लो डैमेज, लो डैमेज ये पूरा साउथ वाले जो है वो लो डैमेज, साउथ वाले जो है लगभग लगभग वो लो डैमेज, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो वेरी लो डैमेज, यहाँ पे देखो वेरी लो डैमेज आ गया, वेरी लो डैमेज, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया इस मैप को देखने के बाद भी कि समझ, ठीक है, इतना क्लियर है। नेशनल जियोग्राफिक कल, हाँ नेशनल जियो फिजिकल लेबोरेटरी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद रिसेंटली फॉर्म्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैव मेड इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ मोर देन 1200 अर्थक्वेक्स। बहुत सारे अर्थक्वेक्स का इन्होंने क्या कहते हैं कि जितने इंडिया में अकर हुए इन्होंने बनाया, और इसको तीन चार पांच रीजन में डिवाइड, पांच रीजन में डिवाइड कर दिया। कितने रीजन में डिवाइड कर दिया, पांच, ठीक है, पांच जोन में डिवाइड कर, कितने जोन में डिवाइड कर दिया, अर्थक्वेक जोन, कितने अर्थक्वेक जोन है पेपर में पूछा जाएगा, ये पहले ही बता दो, पेपर में पूछा जाएगा कितने अर्थक्वेक जोन हैं, पांच है। कौन कौन से हैं, वेरी हाई डैमेज रिस्क अर्थक्वेक, हाँ बहुत ज्यादा, जहां पे बहुत ज्यादा डैमेज रिस्क हो सकता है उस जोन की बात की है। फिर अगला आता है हाई डैमेज रिस्क जोन, फिर अगला है मॉडरेट मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, फिर क्या कहते हैं कि लो डैमेज वेरी लो। तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद करो ना, याद करने की बात है। तो भाई देखो क्या बोला था, जोन जोन थे, जब किसकी बात कर रहे हैं हम, जोन की बात कर रहे हैं। तो एक था वेरी हाई,
एक है हाई, एक है हाई, एक है वेरी हाई, ठीक है, एक है हाई, एक है वेरी हाई, तीसरा क्या कहता था मॉडरेट, चौथा है लो, पांचवा है वेरी। ऐसे पांच में का डिवाइड कर दो, पांचवे में डिवाइड कर दो। अब देखो जो वेरी हाई वाले थे इसको हमने बताया था कि यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, इसके साथ में लगा दो डैमेज रिस्क जोन, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, सब में लगा दो डैमेज रिस्क जोन, डैमेज रिस्क जोन। ये देखो बन गया डैमेज रिस्क जोन, सब में ऐसे लगा दो, बन गया सारे पॉइंट्स आ गए। तो पांच एरिया में डिवाइड कर दिया, पांच जोन में डिवाइड कर दिया है पूरे इंडिया के, ये कहाँ पे ज्यादा डैमेज हो सकता है, कहाँ पे कम डैमेज हो सकता है, कहाँ पे बहुत ही कम हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया, तो वही लिखा हुआ है कि इसको क्या कहते हैं कि एंड बेस्ड ऑन दी दे डिवाइडेड इंडिया इनटू फॉलोइंग फाइव अर्थक्वेक जोन्स। तो इंडिया को पांच अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड किया गया, इंडिया को कितने, पांच अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड किया। आउट ऑफ दीज द फर्स्ट टू जोन हैड एक्सपीरियंस सम ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन इंडिया। यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत बार क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक आए हुए हैं, एज शोन इन द फिगर 7.2, यानी कि उस डायग्राम में भी हमने देखा था, एरियाज वल्नरेबल टू दीज अर्थक्वेक्स आर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो देखो क्या कहते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं वेरी हाई रिस्क जोन, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, इसमें क्या क्या आ गया है, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में कौन कौन सा है। तो सबसे पहला आ गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो। दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा कौन कौन से हैं, हम ये कहते हैं कि एरियाज टू द नॉर्थ ऑफ दरभंगा, यानी कि ये देखो ना दरभंगा मतलब बिहार के थोड़ा सा ये यहाँ पे है दरभंगा, दरभंगा के ऊपर वाला, वही लिखा हुआ है कि एरियाज टू द नॉर्थ ऑफ दरभंगा। एंड अररिया मतलब कहाँ पे, इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर, ठीक है, अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर, पूरा इंडिया और नेपाल बॉर्डर के। आगे ये बिहार में, बिहार में फिर उसके बाद उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में भी, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश में, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह पे भूकंप आने के बहुत ज्यादा चांस है, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में भी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये हाई रिस्क जोन है, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, कश्मीर हिमालय, कश्मीर वगैरह ये सारी चीजें है, ठीक है, कश्मीर, और फिर क्या कहते हैं कि कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के बाद में वो जो कच्छ वाला जो रीजन था, कच्छ वाला जो रीजन था वो, ठीक है, कच्छ वाला जो रीजन था वहां, ये सर ये कच्छ कहाँ पे था, गुजरात में, तो ये वाला मैप ये बताया था, ये यहाँ पर, तो आपको इतना देखने के बाद पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे चांसेस हैं, कहाँ कहाँ पे चांसेस हैं बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं कि इसके, क्या कहते हैं कि वेरी हाई रिस्क जोन कहाँ कहाँ है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे क्या कहते हैं कि बिहार उत्तराखंड वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश कश्मीर वैली में भी था, कच्छ गुजरात में था, दीज आर इंक्लूडेड इन द वेरी
हाई डैमेज रिस्क जोन। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पंजाब, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ बिहार फॉल अंडर द हाई डैमेज रिस्क जोन। बाकी जो बचे पार्ट हैं वो फिर क्या हो जाएंगे, हाई डैमेज रिस्क जोन है। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉल अंडर द मॉडरेट टू वेरी, बाकी जो पार्ट है वो मॉडरेट टू वेरी लो में आते हैं। इतनी बात हमारे समझ में आ गई है, ठीक है, उस मैप को समझ में आ गया। मोस्ट ऑफ दीज एरिया दैट कैन बी कंसिडर्ड सेफ आर फ्रॉम द स्टेबल लैंड मार्क, जो क्या कहते हैं कि जो सेफ एरिया है उस जो लैंड मार्क है डेक्कन प्लेटू की, वहां पे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, कहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। तो देखो क्या कहते हैं कि आपको कश्मीर वैली में थोड़ा सा हाई रिस्क जोन, वेरी हाई जो रिस्क मिल जाएगा, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई डैमेज रिस्क। यहाँ पर भी क्या कहते हैं कि हिमाचल का कुछ पार्ट और फिर क्या कहते हैं उत्तराखंड का कुछ पार्ट, फिर ये क्या कहते हैं कि ये जो रीजन था दरभंगा के ऊपर वाला इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में, ये जो क्या कहते हैं कि 7 स्टेट्स हैं यहाँ पे, और क्या कहते हैं कि यहाँ पे कच्छ में, यहाँ पे कच्छ में, तो इन सब जगह पे क्या है बहुत ज्यादा कहते हैं कि डैमेज होने के रिस्क, बहुत ज्यादा डैमेज होने के रिस्क है। फिर एक आता है डैमेज रिस्क रेट, फिर सीधा सा आता है डैमेज, एक है वेरी हाई का। अब जो वेरी हाई के बाद में क्या आता है हाई, हाई वाले रीजन्स कहाँ पे आए गए, हाई वाले देखो कहाँ पे आ गए, ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हाँ थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का भी ले लो, उत्तर प्रदेश, बिहार का थोड़ा सा ले लो, और ये क्या कहते हैं कि इधर का नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट ले लो, क्या कहते हैं कि गुजरात का थोड़ा सा पार्ट ले लो, थोड़ा सा महाराष्ट्र का पार्ट ले लो, तो ये सब जो है ये सब फिर से क्या कहते हैं कौन से रीजन में आ जाते हैं हाई। बाकी जो बच्चे क्या कहते हैं कि मॉडरेट में आ जाएंगे, मॉडरेट आपको दिखाई दे रहा होगा मॉडरेट कहाँ कहाँ पे, फिर उसके बाद में कुछ बाकी जो बचे वो वेरी लो और क्या कहते हैं कि लो वाले, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या बताना चाहता था क्या नहीं, कि अर्थक्वेक कहाँ पे आने के ज्यादा चांसेस हैं। अब अगला आता है कि सोशियो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से कैसे के कहते हैं कि इसका क्या परिणाम पड़ता है, परिणाम इसका अर्थक्वेक का समाज के ऊपर, सामाजिक एनवायरमेंटल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। द आइडिया ऑफ द अर्थक्वेक इज ऑफन एसोसिएटेड विद द फियर एंड हॉरर ड्यू टू द स्केल, मैग्नीट्यूड एंड सडननेस एट विच इट स्प्रेड्स डिजास्टर्स ऑन द सर्फिस ऑफ द अर्थ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, हाँ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के तबाही ला देता है, ठीक है, बहुत तेजी से क्या कहते हैं कि तबाही ला देता है। तो इट बिकम्स अ कैलमिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स इन द एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। तो देखो ये क्या कहते हैं कि ये अर्थक्वेक कैलमिटी कब बन जाती है, अर्थक्वेक कैलमिटी तब बन जाती है, अर्थक्वेक कैलमिटी तब बन जाती है जब जब ये क्या कहते हैं कि किसी भी क्या कहते हैं कि ये कैलमिटी तब बन जाती है जब जहां पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होती है वहां पे अगर ये जब, हाँ तो अर्थक्वेक बिकम्स कैलामिटी, अर्थक्वेक कैलामिटी की तरह कब काम करती है, जब क्या कहते हैं कि जब किसी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया में क्या कहते हैं कि ये जनरेट होती है। इट नॉट ऑलरेडी डैमेजेस एंड डिस्ट्रॉय द सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल और केवल घर, सड़क, दुकान इन्हीं को नहीं खराब करती बल्कि अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, बट ऑल्सो ड्रॉप्स द पॉपुलेशन ऑफ दियर मटेरियल एंड सोशियो कल्चरल गेन्स एंड दे हैव प्रिजर्व ओवर जनरेशन, उन कल्चर को खत्म कर देता है, हाँ उन कल्चर को खत्म कर देता है, उन सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर को भी खत्म कर देता है जिसको लोगों ने बहुत समय से, बहुत बहुत पीढ़ियों से बचाया होता है, उन सब चीजों को भी नष्ट कर देता है। एक तो क्या कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह चीजों को नुकसान तो पहुंचाता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चीजों को नुकसान तो पहुंचाता ही है, लेकिन क्या कहते हैं कि सोशियो कल्चर इन सब चीजों को भी क्या कहते हैं कि नष्ट कर देता है, इन सब चीजों को भी खत्म कर देता है। इट रेंडर्स देम होमलेस विच पुट्स एंड एक्स्ट्रा प्रेशर एंड स्ट्रेस पार्टिकुलरली ऑन द वीक इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, हाँ तो अगर जो कि कहते हैं कि अगर जो लोग तो डेवलपिंग कंट्री है, जो लोग डेवलप, हाँ जहाँ पर डेवलपिंग कंट्री है जो गरीब लोग हैं उनको तो एक प्रकार से ये क्या करते हैं कि बेघर ही कर देता है, उनको एक प्रकार से क्या कर देता है बेघर ही कर देता है, जहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं है, थोड़ी सी बेसिक अम्यूनिटीज नहीं मिल पाती वहां पे, तो समझ लो क्या हो रहा है कि एक प्रकार से ये कहते हैं कि सुविधा है, वो पूरा बवाल, वो उनको घर पे घर ही कर दिया। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट होंगे, अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट होंगे, अब हमें ये पढ़ना, अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट हैं ये समझने के लिए, ठीक है।
तो अर्थक्वेक हैव ऑल इनकम्पसिंग डिजास्ट्रस इफेक्ट्स ऑन द एरिया ऑफ द अर्थ। सम इम्पोर्टेंट वंस आर लिस्टेड इन 7 पॉइंट। ग्राउंड पे क्या होता है, ग्राउंड पे क्या हो जाता है, दरारें बन जाएंगी, दरारें बन जाती हैं, ठीक है, हाँ दरारें बन जाएंगी। और क्या कहते हैं कि ये, और क्या कहते हैं कि ऑन मैड मैड स्ट्रक्चर, देखो लोगों के जो घर वर बना रहे होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। इनके क्या कहते हैं कि हाँ फिशर सेटलमेंट, और क्या कहते हैं कि दरारें बन जाएंगी, लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। और क्या कहते हैं कि लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन का मतलब होता है लिक्विड में कन्वर्जन होना, हाँ अर्थ प्रेशर पॉसिबल चेन इफेक्ट। और क्या कहते हैं कि एक क्या हो सकता है कि इसके कारण से क्या कहते हैं कि एक प्रकार से अर्थ के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। अगला आता है ओवर टर्निंग, बकलिंग, कोलैप्स, यानी क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ओवर टर्निंग का मतलब होता है उलटना हो सकता है, और क्या कहते हैं कोलैप्स मतलब होता है टूट जाना हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। अगला आता है वेव, वेव्स जनरेट हो सकती है, वाटर में क्या होता है वेव्स जनरेट होंगी, हाइड्रो डायनेमिक प्रेशर बनेगा, सुनामी भी बन सकती है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, इतना बात समझ आए नहीं समझ आए, तो ये सारी चीजें हो सकती है। किसकी वजह से, किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, जितना भी अभी हमने लिखा उनके अलावा। अपार्ट फ्रॉम दिस अर्थक्वेक ऑल्सो हैव सम सीरियस एंड फॉर रीचिंग एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके क्या कहते हैं कि अलग अलग इन्वायरमेंटल, हाँ ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सरफेस साइस्मिक वेव प्रोड्यूस फिशर्स ऑन द अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अपर लेयर में, अर्थ क्रस्ट के अपर लेयर में क्या करते हैं ये, क्या बना देते हैं अर्थ क्रस्ट के अपर लेयर में, ये लोग क्या बना देते हैं, ये कहते हैं कि फिशर्स बना देते हैं, क्या बना देते हैं, फिशर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से थ्रू विच द वाटर एंड अदर वोलाटाइल मटेरियल गस आउट, वो बाहर निकलती हैं। और क्या कहते हैं कि इन्यूडेटिंग द नेबरिंग एरिया। और फिर क्या कहते हैं कि उसमें से क्या मैंने बताया कि हाँ इसमें से दरारें बन जाती हैं, और जिसमें से क्या कहते हैं कि पानी और दूसरे भी क्या कहते हैं कि कुछ मटेरियल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि वो मटेरियल्स आसपास के एरिया को क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं, आसपास के एरिया को क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑफन दीज कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ रिवर्स। कभी कभी क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स होता है तो फिर रिवर के फ्लो में, मान लो कि इधर से लैंडस्लाइड हुआ, यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ और रिवर जा रही, तो उस रिवर में पानी भर गई, मिट्टी भर गई, तो मिट्टी भर गई तो इधर से पानी इधर जाना शुरू होगा, उसके कारण से बाढ़ वगैरह भी आ सकता है। चैनल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्वायर। समटाइम्स रिजर्व रिवर्स ऑल्सो चेंज दियर कोर्स, अपना वो रास्ता भी बदल देती है और फ्लड और कैलेमिटीज की, अदर कैलेमिटीज का कारण बनती है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब अर्थक्वेक को कैसे कम करेंगे, अर्थक्वेक के इफेक्ट को कैसे कम करें, अर्थक्वेक के इफेक्ट को कैसे कम करना है ये समझने की, अर्थक्वेक के इफेक्ट को कैसे कम करना है ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ से। अनलाइक अदर डिजास्टर्स द डैमेजेस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक्स आर मोर डिवास्टेटिंग। ये क्या कहते हैं कि इसकी वजह से क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं कि विध्वंस हो जाता है, बहुत ज्यादा नष्ट हो जाता है। सिंस इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक। क्या करता है ये, सड़क तोड़ देगा, गाड़ी तोड़ देगा, सब कुछ ये सब, प्रोवाइडिंग टाइमली रिलीफ टू द विक्टिम्स बिकम डिफिकल्ट। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं कि विक्टिम को टाइम के साथ टाइम पे रिलीफ नहीं मिल पाता, जो लोग विक्टिम हुए होते हैं उनको टाइम पे रिलीफ नहीं मिल पाता। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। और ध्यान रख लो, अर्थक्वेक को रोका नहीं जा सकता कि अर्थक्वेक नहीं, उसको प्रेजेंट, उसके होने से बचाया नहीं जा सकता। हेंस नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज टू एम्फेसिस ऑन द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो क्योंकि अब हम इसको रोक तो सकते नहीं, अब इसको हम रोक तो सकते नहीं, तो बस हम ये कर सकते हैं कि जब डिजास्टर आएगा तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें, और उसका कम से कम इफेक्ट हम सोचेंगे कि कम से कम, क्या कहते हैं, कम से कम लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि हम अर्थक्वेक तो कैंसल, तो मतलब कि अर्थक्वेक को क्या कहते हैं कि होने से तो बचा नहीं सकते कि मतलब कि अर्थक्वेक नहीं हुई, लेकिन कम से कम ये तो हो सकता है कि हम क्या कहते हैं उसके इफेक्ट को कम कर सकते। तो सबसे पहला क्या करेंगे, इस्टेब्लिशिंग अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स। तो सबसे पहले अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स बना दिए गए फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फास्ट डिसेमिनेशन
ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग द पीपल इन द वनरेबल एरिया। तो सबसे पहला चीज क्या किया गया, ये कहते हैं कि अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम सेंटर से बनाए जाएंगे, और फिर जहां पे क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं कि उस एरिया में जो वनरेबल एरिया होगी वहां पर बड़ी तेजी से इंफॉर्मेशन को भेज दिया जाएगा अगर कुछ भी होता है। यूज ऑफ जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कैन बी ग्रेट हेल्प इन द मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को देखना है तो जीपीएस का भी यूज कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग अ वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ कंट्री एंड डिसेमिनेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी रिस्क इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल एंड एजुकेटिंग देम अबाउट द वे एंड मींस मिनिमाइजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट डिजास्टर्स। तो क्या होता है कि लोगों को इसके लिए तैयार करो। हाँ, देश में जितने भी भूकंप वाले एरिया हों, भूकंप में जो एरिया हों उनका हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे कहते हैं कि ये होने के चांसेस ज्यादा है, जहाँ तो जो एरिया मोस्ट वल्नरेबल होते हैं वहां पे क्या करना है, वहां पे लोगों को क्या कहते हैं कि जानकारी पहुंचाना है, वहां पे लोगों को क्या करना है, जानकारी पहुंचाना है और इनके इफेक्ट को कम करने के लिए, इनके इफेक्ट को कम करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी देना। इनके इफेक्ट को क्या कहते हैं कि मतलब कि क्या कहते हैं अर्थक्वेक के इफेक्ट को कम करने के लिए कैसे उससे बचा जा सकता है, उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग भी देना, उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग भी दे, ठीक है। मॉडिफाइंग द हाउस टाइप एंड बिल्डिंग डिजाइन इन द वल्नरेबल एरिया। तो जो वल्नरेबल एरियाज होंगे वहां पे वैसे ही घर बनाए जाएंगे, हाँ, जो के कहते हैं कि जिसकी वजह से एंड डिस्करेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग। यहाँ पे ज्यादा बड़े बिल्डिंग वगैरह नहीं बनेंगे, लार्ज इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाए जाएंगे, बिग अर्बन सेंटर्स इन एरिया में नहीं बनाए जाएंगे, तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। फाइनली मेकिंग इट मैंडेटरी टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन एंड यूज हाई लाइट मटेरियल इन मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ वल्नरेबल एरिया। जब वल्नरेबल एरिया में कोई भी काम होगा तो वहां पे हल्की चीजों से काम हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में नहीं सुन रहे, ये सारी बातें इन्होंने बता, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे हो गया। तो ये क्या था, अर्थक्वेक। ये सब अभी तक हमने जो पढ़ा है इसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, सुनामी। अगला जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, सुनामी। अब समझते हैं कि सुनामी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सुनामी की बात करें तो अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस दैट कॉज द सी फ्लोर टू मूव एब्रप्टली रिजल्टिंग इन सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओशियन वाटर इन फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। तो देखो सुनामी का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि सुनामी क्या होता है, ठीक है। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन, जब अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जब सी फ्लोर मूव करने लगता है, सी फ्लोर मूव करेगा, जब सी फ्लोर मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओशियन वाटर भी में डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। क्या मैंने बताया कि जब अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, जब अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन की वजह से तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सी फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ली फ्लोर मूव करता है, स्ली फ्लोर मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियन वाटर होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि वेव जनरेट, जो हाई वर्टिकल वेव हो उन्हें क्या बोला गया, सुनामी बोला, ठीक है। सुनामी की डेफिनेशन आपको याद हो चुकी है, ये क्या होते हैं अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन दैट कॉज द सी फ्लोर टू मूव एब्रप्टली रिजल्टिंग इन सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स। इन्हें क्या बोला गया, सुनामी या हार्बर वेव्स बोला जाता है या साइस्मिक सी वेव्स बोला जाता है। नॉर्मली साइस्मिक वेव्स कॉज ओनली द इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेव। तो ये क्या होता है कि एक ही इंस्टेंटेनियस वेव बनाती है, कितने इंस्टेंटेनियस वेव बनाती है, बट आफ्टर द इनिशियल डिस्टर्बेंस अ सीरीज ऑफ आफ्टर वेव्स आर क्रिएटेड। तो देखो शुरू में क्या होता है, शुरू में क्या होता है, केवल और केवल एक, क्या कहते हैं कि एक, क्या कहते हैं कि वो बनाएंगे साइक्लिक वेव, हाँ वो वर्टिकल वेव बनाएंगे, बट आफ्टर द इनिशियल डिस्टरबेंस, इनिशियल डिस्टरबेंस के बाद में क्या होता है, बहुत सारे क्या कहते हैं कि आफ्टर वेव क्रिएट हो जाती है वाटर में दैट ऑसिलेट बिटवीन हाई क्रेस्ट एंड लो ट्रफ। देखो याद करो कि कहते हैं कि यहाँ पे जब वेव चलेगा तो यहाँ पे क्रस्ट होगा ऊपर, फिर ये क्या होता है ट्रफ होता है, तो वही यहाँ पे बता रहा है। बट आफ्टर द इनिशियल डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं कि बहुत सारे के कहते हैं कि एक के बाद एक के कहते हैं कि चीजें चलने लगती। इतना बात समझ में, इतना बात समझ में। सबसे पहला चीज हमने बताया कि सुनामी क्या होता है, किसकी वजह से आता है, सुनामी आता है किसकी वजह से,
सुनामी जो आता है वो आता है अर्थक्वेक और तितली की वोल्केनो, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्या नाम है कि कहते हैं कि वो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्लीप फ्लोर में क्या होता है, हलचल रहती है, ठीक है। जब क्या कहते हैं कि पानी के अंदर अर्थक्वेक आता है या पानी के अंदर वोल्केनो होता है, तो क्या होता है, समंदर के अंदर वोल्केनो होगा या समंदर के अंदर क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक हुआ, उसकी वजह से क्या होता है कि सी फ्लोर में हलचल मच जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस होता है, जिसकी वजह से वाटर डिस्प्लेस होता है। जब वाटर डिस्प्लेस होता है तो फिर क्या होता है कि क्या कहते हैं कि वर्टिकल वेव्स जनरेट, और ये हाई वर्टिकल वेव्स ही सुनामी, ये हाई वर्टिकल वेव्स जिन्हें हार्बर वेव्स बोला जाता है, साइस्मिक सी वेव्स बोला जाता है, यही सब क्या है, यही सब क्या है कि कहते हैं कि सुनामी, ठीक है, इन्हीं को सुनामी बोला जाता है। तो अभी मैंने बताया कि शुरू में क्या होता है, जनरली शुरू में क्या होता है, जनरली हाँ या जनरली साइस्मिक वेव कॉज ओनली वन इंस्टेंटेनियस वर्टिकल, जब शुरू में क्या होता है कि एक ही इंस्टेंटेनियस वेव बना, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है कि एक के बाद एक क्या कहते हैं कि एक के बाद बट आफ्टर इनिशियल डिस्टर्बेंस अ सीरीज ऑफ आफ्टर वेव्स आर क्रिएटेड, वो एक के बाद एक क्रिएट होती जाएंगी और वो जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहे हैं। अब आगे, द स्पीड ऑफ वेव इन द ओशियन डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर, जो वेव का स्पीड, याद करो मैंने पढ़ाया था वेव वाला चैप्टर, तो वहां पे बताया था डेप्थ ऑफ वाटर, जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर होगा उसी हिसाब से क्या कहते हैं स्पीड होगी। इट इज द मोर इन द शैलो वाटर देन द ओशियन डीप, यानी कि क्या कहते हैं कि स्पीड ऑफ वेव कहाँ पे ज्यादा होता है, शैलो वाटर में ज्यादा। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड कहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे ध्यान रखना, नोट ये ध्यान रखने वाली बात है, स्पीड ऑफ वेव क्या कहते हैं कि किस बात पे डिपेंड करता है, कितना डेप्थ ऑफ वाटर, कितना डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। अगर क्या कहते हैं कि शैलो वाटर में स्पीड ऑफ वेव ज्यादा हो, क्या मैंने बोला, ध्यान रख लो, इन शैलो वाटर, इन शैलो वाटर स्पीड ऑफ वेव स्पीड ऑफ वेव इज मोर, स्पीड ऑफ वेव इज मोर देन इन ओशियन डीप, ओशियन डीप में क्या होता है स्पीड कम होती है, ओशियन डीप में क्या होती है इन स्पीड कम होती है, मोर देन ओशियन स्पीड, ओशियन डीप, डीप में क्या कहते हैं कि डीप में क्या कहते हैं कि स्पीड क्या होती है, कम होती है, और क्या कहते हैं किनारों पे एक प्रकार का क्या होगा कि जहाँ पे शैलो वाटर हो वहां पे ज्यादा होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी इज लेस ओवर द ओशियन, यानी कि क्या कहते हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि इसका इफेक्ट तो क्या कहते हैं कि ओशियन डीप में कम पड़ रहा है, ओशियन डीप में इसका इफेक्ट कम पड़ रहा है, इसलिए फिर क्या कहते हैं कि इसका क्या कहते हैं कि ज्यादातर इफेक्ट कहाँ पे लाएगा, ये कोस्टल एरिया पे लाएगा, कोस्टल एरिया पे लाएगा, ठीक है। क्योंकि अंदर क्या कहते हैं इसकी स्पीड ज्यादा नहीं होती, अंदर स्पीड ज्यादा नहीं होती वेव की, तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो मेन क्या कहते हैं कि डिवास्टेशन लाएगा वो कहाँ पे लाएगा, कोस्ट पे लाएगा। Therefore, a ship at sea is not much affected by tsunami. It is difficult to detect the tsunami in the deeper parts of the sea. तो सी के डीपर पार्ट में सुनामी को डिटेक्ट करना मुश्किल है, सी के डीपर पार्ट में, सी के अंदर सुनामी को डिटेक्ट करना क्या है, मुश्किल है। इट इज सो बिकॉज ओवर डीप वाटर द सुनामी हैज वेरी लॉन्ग वेव लेंथ एंड लिमिटेड वेव हाइट। यहाँ पे क्या होता है कि ये होता क्यों है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये होता क्यों है, क्योंकि देखो इट इज सो बिकॉज ओवर डीप वाटर द सुनामी हैज लॉन्ग वेवलेंथ, डीप वाटर की वजह से क्या होता है कि वहां पे सुनामी में क्या होता है, लॉन्ग वेवलेंथ होता है और यहाँ पे वेव हाइट लिमिटेड होती है, दस सुनामी वेव रिली रेजेस द शिप ओनली अ मीटर, तो सुनामी वेव क्या होता है कि शिप को केवल 1 या 2 मीटर उठा, एट ईच राइज एंड फॉल टेक सेवरल मिनट, बार बार वो जितना भी राइज एंड फॉल होगा उसकी वजह से ज्यादा नहीं, केवल केवल कुछ 1-2 मीटर उठा पाएगा। एज अपोज टू दिस व्हेन सुनामी इंटर शैलो वाटर, जब सुनामी शैलो वाटर में आता है द वेव लेंथ गेट्स रिड्यूस, तो शैलो वाटर में क्या होता है वेव लेंथ कम होता है, ठीक है। डीप वाटर में सुनामी की वेव लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, डीप वाटर में सुनामी की वेव लेंथ ज्यादा होती है, ध्यान रखना डीप वाटर में सुनामी की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और शैलो वाटर में सुनामी की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है।
सुनामी की वेव लेंथ कम होती है एंड द पीरियड रिमेन्स अनचेंज, और वो जो पीरियड होगा वो चेंज नहीं होगा, विच इंक्रीजेस द वेव हाइट, जिसकी वजह से, यानी कि क्या होता है कि इसमें वेव हाइट ज्यादा होती है, और कहते हैं कि सुनामी वाले, और उसके कहते हैं कि सैलो वाटर में तो कहते हैं कि वेव हाइट ज्यादा होती है, सैलो वाटर में वेव हाइट ज्यादा होती है, और वहां पे कहते हैं कि जो डीप वाटर में था वेव हाइट कम थी। समटाइम्स द हाइट कैन बी अप टू 15 मीटर आर ओवर, विच कॉजेज अ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन अलॉन्ग द शोर। कभी कभी क्या होता है, इसकी हाइट क्या होती है वेव की, 15-15 हाइट, 15-15 मीटर, इसकी वजह से जो किनारे होते हैं वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि उनपे डिस्ट्रक्शन होता है। दस दीज आर कॉल्ड सैलो वाटर वेव, तो इन्हें क्या बोला गया, सैलो वाटर वेव बोला। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है। अब आते हैं, सुनामीज आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो जो सुनामीज आपको कहाँ पे ज्यादातर मिलेंगी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिलेंगी, और कोस्ट ऑफ अलास्का, अलास्का के किनारे भी मिलेंगे, जापान, फिलीपींस एंड अदर आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, इन सब जगह पे के कहते हैं कि आपको कहते हैं कि यहाँ पे सुनामी आपको मिलने के मौके मिलते रहते हैं, यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं सुनामी। आफ्टर रीचिंग द कोस्ट, जब हम कोस्ट पे पहुंच जाते हैं, सुनामी वेव्स रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन देम, जब के कहते हैं कि सुनामी कहाँ पे कोस्ट पे पहुंच जाती है, जब सुनामी कोस्ट पे पहुंच जाती है तो अपनी पूरी पूरी एनर्जी रिलीज कर देती है, एंड द वाटर फ्लोज टर्बुलेंटली ऑन टू द लैंड, और क्या कहते हैं कि वाटर क्या होता है कि लैंड पे बहुत तेजी से चला जाता है, इसकी वजह से जो पोर्ट सिटी होंगे, टाउन्स होंगे या स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, खराब, वो सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से आया और क्या कहते हैं कि वो पानी पे इतना डिवास्टेशन ला देगा। सिंस द कोस्टल एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, जैसा कि हमने बताया था कोस्टल एरिया पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं आजकल, तो दीज आर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ द इंटेंस ह्यूमन एक्ट, यहाँ पे लोग काम वाम करने वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज लाइकली टू मच हायर बाई अ सुनामी एज कम्पेयर टू अदर नेचुरल, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा डैमेज हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारा डैमेज हो सकता है, ये सारी बातें यहाँ पे पता है। ठीक है, अनलाइक अदर नेचुरल हजार्ड्स, द मिटिगेशन ऑफ हजार्ड्स क्रिएटेड बाय सुनामी इज डिफिकल्ट, इसको इसका मिटिगेशन करना भी, इसको कम करना भी मुश्किल है, मे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लूजेस आर ऑन मच लार्जर स्केल, क्योंकि जो लॉसेस होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, लॉसेस, ये जो लॉसेस होते हैं इसमें बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, इस वजह से क्या कहते हैं इसमें मिटिगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी टू इंडिविजुअल स्टेट और गवर्नमेंट टू मिटिगेट सच डैमेज, डैमेज को केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता ना एक कंट्री कर सकता, हेंस कंबाइंड एफर्ट्स, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे कंबाइंड एफर्ट की जरूरत है, कि क्या कहते हैं कि ऐसे के कहते हैं कि इसके इसको मिटिगेट किया जा सके। 2004 में क्या कहते हैं कि देखो जो सुनामी आई थी उसमें क्या कहते हैं कि कितने लोग मारे गए थे, क्या कहते हैं कि 3 लाख। इन इंडिया हैज वॉलंटियर टू हिम इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम आफ्टर द दिसंबर 2004, तो उसके बाद में क्या कहते हैं कि इंडिया ने भी क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम में क्या कहते हैं कि अपने आप को ज्वाइन कर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, जो भी नहीं आया होगा आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रॉपिकल साइक्लोन, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके।